नमस्कार दोस्तों, अवर ब्रेन अवर लाइफ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ को लेकर। चाइल्ड बर्थ से बहुत सारे कपल्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर बायोमेडिकली और मेडिकली वो बिल्कुल फिट हैं तो संतान होनी चाहिए, लेकिन आज वो संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं पर कई बार संतान नहीं हो पाती है। क्या कारण हो सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, समझें, तभी अपने व्यू और कमेंट दें। तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड बर्थ को लेकर। चाइल्ड बर्थ में अगर हम डॉक्टर पे जाते हैं और दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तब भी संतान नहीं हो रही, तो क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। हमने भी कुछ इस पे काम किया है, रिसर्च की है। क्या ये साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई माइंड ने ब्लॉक कर दिया हो? इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिकली एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। साइंस ये कहती है कि अगर एनवायरनमेंट सेम है तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे अगर हमें पानी बनाना है तो साइंस के मुताबिक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर मिलेगी और कंडीशन सेम रहेंगी, जो प्रेशर चाहिए, तो आपका पानी बन जाएगा, तो यू विल गेट द वाटर। वैसे ही साइंस ये भी कहती है जब स्त्री और पुरुष के एक्स और वाई क्रोम्स आपस में मिलेंगे तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। जब आप संतान उत्पत्ति के कार्य में लगे हैं तो नेचुरली वो मिल रहे हैं, बट कहीं ऐसा है कि वो फिजिकली मिल रहे हैं बट माइंड ने उसको रोक दिया। कभी पहले ऐसा हुआ है? तो हमने ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि कहीं पहले ऐसा हुआ है कि स्ट्रेस, एक हमारे को एडिक्शन की आदत है, मोबाइल एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, कुछ ऐसे कारण, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से संतान ना हो रही हो। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक कहानी के ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं। वो कहानी आप सबको पता होगी बट साइकोलॉजिकल एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे की बातें करते हैं, महाभारत काल में जाते हैं। महाभारत में विचित्र वीर्य का नाम आता है। चित्र वीर्य की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। लगभग 6 से 7 साल विचित्र वीर्य की मैरिज लाइफ उनके साथ चली। उसके बाद विचित्र वीर्य की डेथ हो गई, उनसे कोई पुत्र नहीं हुआ और सबने ये सोचना शुरू किया कि संसार में संतान हुई नहीं तो इस वंश का क्या होगा। और अगर आजकल के एनवायरमेंट में देखें तो हमारी स्त्री जाति पे भी ये लांछन बिना किसी बात के लग जाता है। तो पहली कंडीशन आप माइंड की ताकत देखिए इसमें कि विचित्र वीर्य की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन इंटरटेनमेंट रादर देन टू बी इन द वर्क ऑफ संतान उत्पत्ति। तो वो एंटरटेन करता रहा लेकिन उसने उस पर फोकस नहीं किया, माइंड वहां पे ब्लॉक किया हुआ था। उन दोनों प्राणियों की कोई संतान हुई नहीं और राजकुमारियां निसंतान रह गई। उसके बाद उनको वेद व्यास जी से मिलवाया गया और जब वेद व्यास जी से मिलवाया गया तो पहली बड़ी रानी जब आई तो उसने आईज बंद कर ली। एज पर महाभारत सुना रहा हूं मैं आपको, आईज बंद करने के बाद उनके जो पुत्र पैदा हुआ वो अंधा पैदा हुआ, वो देख नहीं सकता था। दैट इज अ स्पेशल चाइल्ड। दूसरी रानी जब आई तो वो वेद व्यास जी को देख के डर गई और उसका रंग फेरिस्टिक नेचर में चली गई और उस वजह से उसका जो बालक पैदा हुआ उसका कलर पांडु वर्ण हो गया, इसलिए उसका नाम भी पांडु हो गया। तीसरी बार उन दोनों राजकुमारियों ने अपनी दासी को भेज दिया और उस दासी से बहुत सुंदर, स्वस्थ और इंटेलिजेंट संतान पैदा हुई जिसको हम विदुर के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों केस की हम साइकोलॉजिकल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहले केस में महाभारत में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने डर के मारे अपनी आईज क्लोज कर ली, इसलिए स्पेशल चाइल्ड पैदा हुआ जो देख नहीं सकता था। अब मैं इस पे आप सब दोस्तों से पूछना चाहता हूं, जब भी हम प्रेम भाव में होते हैं तो हमारी आईज तो वैसे ही क्लोज हो जाती है, तो फिर सारी संतान ही स्पेशल चाइल्ड होनी चाहिए? पर ऐसा नहीं हो रहा। हमें उन शब्दों को
थोड़ा डीपली समझने की जरूरत है। पहली रानी ने क्या किया, अपने माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कोई भी इंटरकोर्स या संतान, वो फियर में थी और उस फियर को उस माइंड ने आंखों पे डाल दिया, जिसकी वजह से वो संतान स्पेशल चाइल्ड के रूप में पैदा हुई। अब आते हैं दूसरी बार, दूसरी रानी का फियर पूरे शरीर पे चला गया और उस शरीर पे जाने के बाद जो संतान पैदा हुई वो पांडव वर्ण की हुई, मतलब फियरिस्टिक संतान पैदा हुई। और तीसरी ने अपनी ओरा को पूर्णतया ओपन किया, साइकोलॉजिकली अगर हम उसे देखेंगे तो पूर्णतया स्वस्थ संतान पैदा हुई। तो आज अगर हम थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकल समझें, आज के एनवायरमेंट में जब भी कोई संतान स्पेशल चाइल्ड पैदा होता है या हम ऐसा बोलते हैं गर्भपात हो गया, ये या चाइल्ड हुआ ही नहीं, इन तीनों ही केस में साइकोलॉजी पूर्णतया आपके माइंड का रोल है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और मेडिकली डॉक्टर कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन मेरे शब्द पे जाइएगा कि मेडिकली अगर डॉक्टर कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपने माइंड को, अपनी ऑरा को, ऑरा क्या होती है, हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है जो हमारा माइंड बनाता है, तो उस शील्ड को कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खोलने की जरूरत है। तो ये मैंने एक अपने एग्जाम्पल से आपको साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की है। अब हम आते हैं कि वो शील्ड बनती क्यों है। कोई भी चीज ऐसी जो आपको पास्ट टाइम में बुरी लगी हो, दोनों को आपस में हस्बैंड वाइफ के साथ, और आप उस चीज के से बाहर ही नहीं आ रहे हो, ट्रॉमेटिक इफेक्ट में ही फंसे हुए हैं, उसके ट्रॉमा में ही हो उसके, तो क्या होगा, आपका माइंड तो वहां है, बॉडी लेकिन आपके बेडरूम में है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑफिस की टेंशन, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस और एडिक्शन, इन सब चीजों से आप दूर रहें, दूर रहना चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो वृद्धि है वंश की, ऐसा कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद जन्म होता है, तो हम उसको सीरियसली देखें और अपनी संतान उत्पत्ति के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो क्या क्या फैक्टर हैं आपको ध्यान रखने चाहिए, तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो भी एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, आपका और भी कोई एडिक्शन हो सकता है, उससे आप दूर रहें कम से कम उस कार्य के लिए। जैसे आप कभी प्लेन में सफर करते हैं तो वहां भी लिखा होता है ना पायलट के केबिन के बाहर, कि आप सीरियस बिजनेस में हैं, आप अपनी परेशानी इस दरवाजे से बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप ही उस अपने बेडरूम से बाहर छोड़ के आइए अपनी परेशानियों को, क्योंकि ये सीरियस ही है। अगर वो एक स्वस्थ बच्चा होगा तो वो बड़ा होके आपको और आपके कुल को रोशन करेगा, लेकिन अगर आप स्पेशल चाइल्ड या कोई और प्रॉब्लम से वो जूझ रहा होगा तो पहले उसको अपने से सरवाइव होना पड़ेगा, उसका वर्कलोड बढ़ा रहे हैं आप, तब कहीं जाके वो सक्सेस के पाथ पे चलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, कोई भी ऐसी डिप्रेशन, कोई भी ऐसी एंगर, कोई भी ऐसी स्ट्रेस की चीज हो जो आप फील कर रहे हो, उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के, दोनों के लिए, दोनों पेरेंट्स पे ये एप्लीकेबल है। तीसरा, काम रहें, जितना शांत रहेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल शांति। और चौथा, आप अपने आप को रिजल्ट पे फोकस मत करें। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं बस मेरे को ये जल्दी करना है, उससे क्या होगा, उससे आपकी आउटपुट खराब होगी, रिजल्ट्स विल बी नॉट गुड। तो आपको आउटपुट पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम रहते हुए उस कार्य पे फोकस करना है, और आप देखेंगे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल अगर आप फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल से आप बाहर आ जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका आप व्यू दीजिए, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और मोर ओवर ये मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा आपसे, जो जो लोग सोशली इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनको जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। तो आप सोशली भी अच्छा काम करेंगे इसको शेयर करके, दैट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स। फिर दोबारा मुलाकात होगी
अपने नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।